सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज भी कसा गया है। कांग्रेस ने एक हारी हुई लड़ाई लड़ी है, मुख्यमंत्री ने यह कहा। खजुराहो से प्रत्याशी छोड़ा है, यह भी तंज कसा। साथ ही कांग्रेस को पता था कि खजुराहो में उनकी हार है, तो मंडला में प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं, ये भी उन्होंने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तंज कसा है कांग्रेस पर। और कांग्रेस गंभीर नहीं है, यानी कि चुनाव की तारीखें देखिए नजदीक है, पहले चरण का चुनाव भी है, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार चुनाव को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस को आत्म मूल्यांकन करने की भी जरूरत है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। इसने एक हारी हुई लड़ाई लड़ी, पहले उनने खजुराहो में प्रत्याशी छोड़ा, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी मिली भगत से, कांग्रेस को मालूम था कि खजुराहो उनकी निश्चित हार है, बाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी बदला और जब फार्म भरने का मौका है तो आप सबको मालूम है, और वही स्थिति फिर दोहरा रहे हैं कि अब मंडला के अंदर उनके प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहा है, भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस गंभीर नहीं है, कांग्रेस को अपने आत्मूल्यांकन करने की जरूरत है, वो अपने आप में गंभीरता के साथ अगले चुनाव की तैयारी करे। तो देखिए कांग्रेस की लापरवाही और बीजेपी को मिला बड़ा मुद्दा, इसी को लेकर अब पलटवार भी किया जा रहा है।